ठीक है ना, अभी हम शौक पढ़ते हैं सर्जरी में, ठीक है, सर्जरी का शौक, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग जो होते हैं शौक को आर्टेरियल हाइपो टेंशन बोलते हैं, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो शौक है क्या चीज़, टिश्यू ऑक्सीजन डिलीवरी इसमें फेल्ड होती है, ठीक है ना। टू मीट द डिमांड्स, इट कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल्स, इसको क्या कहते हैं हम, शौक कहेंगे। ऑल्सो देर इज़ हाइपो टेंशन, ठीक है। देखिए कि ठीक है, उस हिसाब से अगर डेफिनेशन की जाए, अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन शॉक की क्या बनेगी, इट इज़ अ स्टेट, इट इज़ अ स्टेट इन विच देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव परफ्यूजन, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी स्टेट जिसमें लैक ऑफ इफेक्टिव परफ्यूजन टू द टिश्यू विच स्लोली फर्स्ट लीड्स टू रिवर्सिबल एंड देन अल्टीमेटली इफ इट इज़ प्रोलॉन्ग्ड इट लीड्स टू इरिवर्सिबल टिश्यू इंजरी या फिर सेलुलर इंजरी, इसको हम क्या कहते हैं, शॉक, ठीक है। इसको मैंने कैसे देखा, देखो एक ऐसी स्टेट जिसमें इफेक्टिव परफ्यूजन नहीं होती किसकी, सेल्स की या टिश्यू की, ठीक है ना, यानी कि प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड, ठीक है, यानी कि लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, प्रोफाउंड एंड वाइड स्प्रेड रिडक्शन इन इफेक्टिव परफ्यूजन ऑफ दैट लीड्स टू सेल इंजरी। अब ये सेल इंजरी पहले रिवर्सिबल होती है, अगर ये प्रोलॉन्ग हो तो इसको इरिवर्सिबल ऐसे सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है। देखो मॉडर्न जो डेफिनेशन होती है ना, मॉडर्न अप्रोच टू द शॉक, इसमें क्या होता है कि शॉक इसमें कंसिस्ट ऑफ तीन चीज़ें हैं, इसमें हम देखेंगे मॉडर्न जो अप्रोच है इसमें। नंबर वन में हमारे पास है कि इन एडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि टिश्यू परफ्यूजन कम है। नंबर दो, डिलीवरी ऑफ रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स टू द टिश्यूज भी कम है, और इन एडिक्वेट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल भी कम है। तो ये मॉडर्न जो डेफिनेशन एंड अप्रोच टू द शॉक में ये चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, तो ठीक है ना। तो सिर्फ नॉट ओनली द परफ्यूजन, ठीक है, मॉडर्न जो कंसेप्ट है शॉक का उसमें देखो, इसमें इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन अलॉन्ग विद इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट्स टू द टिश्यूज अलॉन्ग विद इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें ये शॉक के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। देखो शॉक की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, शॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स, देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शॉक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन शॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स क्या होते हैं, ये कॉमन सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस शेयर करते हैं, दे हैव कॉमन सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि फिर आगे जाके क्या कराते हैं, सेल इंजरी कराते हैं, ऑर्गन फेलियर कराते हैं और डेथ ऑफ द पेशेंट कराते हैं, ठीक है। तो शॉक की फीचर्स क्या हो सकती हैं, देखो सेलुलर इस्कीमिया इसमें है, ठीक है, ठीक है ना। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक में फैक्टर्स कौन से हो गए, फैक्टर्स इन्वॉल्व आर सेलुलर इस्कीमिया है एक, उसके बाद सर्कुलेटिंग या लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ठीक है ना, इस्कीमिया मतलब डिक्रीज्ड और ब्लड सप्लाई, ठीक है, उसके बाद आईएम मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स और फ्री रेडिकल इंजरी, ये तीन कंपोनेंट्स हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक में शामिल है, ठीक है। हम इन तीन फैक्टर्स पे थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले सेलुलर इस्कीमिया, ठीक है, सेलुलर इस्कीमिया की अगर हम बात करें तो सेलुलर इस्कीमिया देखिए, ठीक है ना, तो इस्कीमिया की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेटली परफ्यूजन टू टिश्यू कम होना, तो जब परफ्यूजन टू द टिश्यू रिड्यूस हो जाती है ना, तो डिक्रीज होती है क्या, डिक्रीज ऑक्सीजन टू द सेल्स, सेल्स की तरफ ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो सेल्स क्या करते हैं, सेल्स एरोबिक जो रेस्पिरेशन को स्विच करके एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म में इसको अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। जब एन एरोबिक मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो लैक्टिक एसिड है, आपको पता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है ना, सेल्स में, ठीक है ना। इसके अलावा देखें कि अगर परफ्यूजन टू द सेल्स अगर रिड्यूस हो तो डिक्रीज डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी तो होती है, ठीक है, जब एक तो ऑक्सीजन की डिक्रीज डिलीवरी हो गई ब्लड रिड्यूस परफ्यूजन के साथ, दूसरी डिक्रीज डिलीवरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स हो गए, जब न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो ठीक है ना, क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप एटीपी प्रोडक्शन कम होती है, जब एटीपी प्रोडक्शन कम होती है ना, तो सोडियम पोटेशियम पंप एनकेपी जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, एनकेपी इनहिबिट होता है, इतना ज़्यादा काम नहीं करता, फेल हो जाता, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप
पम्प, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइसोसोमल डिसरप्शन होती है। और जब लाइसोसोमल डिसरप्शन होती है तो उसके बाद क्या हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइसिस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं और वाइड स्प्रेड डैमेज हो सकता है, ठीक है ना। तो देखें, लाइसोसोमल जो डिसरप्शन है, यहाँ ये जो पॉइंट है वो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, यहाँ से आप वापस सेल नहीं जा सकता, ठीक है ना। इसमें फिर ये क्या करता है, वर्सन करता है, किसको वर्सन करता है, शॉक को वर्सन करता है, और क्या हो सकता है, ऑर्गन फेलियर और डेथ कॉज कर सकता है, क्या ऑर्गन फेलियर और डेथ, ये मैं ऑफ इसीलिए लिखा हुआ है, और साथ में इधर लिखें वर्सन्स, वर्सन्स शॉक, ऑर्गन फेलियर और उसके बाद डेथ भी, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा लाइसोसोमल डिसरप्शन से, ठीक है। उसके बाद नंबर दो हमारे पास क्या था, सर्कुलेटरी और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स IM, ठीक है। ये देखो, हमारे पास पहला क्या था, सेलुलर इस्कीमिया, इस पर हमने रोशनी डाल दी, सर्कुलेटिंग एंड लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स ये हम देखेंगे, उसके बाद फ्री रेडिकल इंजरी देखेंगे। तो सर्कुलेटरी और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स में क्या है कि इसमें देखें, ठीक है ना। देखें, जो लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं ये एक खास इफेक्ट रखते हैं, किस पे इफेक्ट रखते हैं, ये इफेक्ट रखते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। देखें, जब जो ये जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना इसकी, ठीक है ना, तो देखो ये जो इफेक्ट है ये इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस इन क्या, इन सेलुलर डिसफंक्शन, ठीक है ना, इन ऑर्गन डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं, इन सेलुलर डिसफंक्शन भी बोल सकते हैं। इट इज़ प्राइम इम्पोर्टेंस इन ऑर्गन डिसफंक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम सेप्सिस और रिजल्टिंग फ्रॉम हिमरेजिक शॉक, यानी कि सेप्टिक शॉक और हिमरेजिक शॉक से जो ऑर्गन डिसफंक्शन होता है ना, इस ऑर्गन डिसफंक्शन में जो इफेक्ट ऑफ लोकल मीडिएटर्स होता है ना, ये एक प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है ना। अगेन दूसरी बात सुनो, देखो मैं इसको और इजी करता हूँ, देखो सेप्टिक शॉक में और हिमरेजिक शॉक में जो ऑर्गन डिसफंक्शन होता है वो एक प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों प्राइम इम्पोर्टेंस रखता है, उसमें प्राइम इम्पोर्टेंस किसकी है, इस ऑर्गन डिसफंक्शन में प्राइम इम्पोर्टेंस किसकी है, लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स या सर्कुलेटिंग इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की इफेक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म की है। तो ये जो इफेक्ट है ना इसकी प्राइम इम्पोर्टेंस है इस सेलुलर ऑर्गन डिसफंक्शन में, ठीक है ना। तो जनरली इट इज़ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो एंडोट्रॉक्सिन निकलता है ना, ये ट्रिगर करता है किसको, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को। लेकिन देखो इट इज़ नॉट द ओनली वन, ठीक है ना। बैक्टीरियल जो एंटीजेंस हैं एंड सेल इंजरी इटसेल्फ कैन इनिशिएट द कैस्केड, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन जो है ना वो शॉक कराने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ कराने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ें बैक्टीरियल एंटीजन और बैक्टीरियल एंटीजन के अलावा और क्या हो सकता है, और सेल इंजरी इट्सेल्फ कैन ऑल्सो इनिशिएट द इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ऑफ मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो एंडोटॉक्सिन है वो सेल इंजरी इट्सेल्फ और बैक्टीरियल एंटीजन, ये तीनों चीज़ें मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन का कैस्केड कराती हैं, ये कहता है, ठीक है ना। अब प्राइम मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, देखो मैक्रोफेज से जो रिलीज़ होते हैं TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन 1B, ये जो है ना प्राइम मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल इंजरी, हमने पहले क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लोकल और सर्कुलेटिंग मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ा, फिर नंबर वन पे हमने क्या पढ़ा, नंबर वन पे हमने पढ़ा था कि जो सेलुलर इस्कीमिया वो हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है ना। देखो फ्री रेडिकल इंजरी को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम भी बोलते हैं, IRS, ठीक है, इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम भी बोलते हैं। फ्री रेडिकल इंजरी के बारे में हमारा पूरे का पूरा वो है, ठीक है। अब होता क्या है, देखें कि जब हाइपोपरफ्यूजन होती है तो डैमेज होता है, ठीक है। डैमेज क्या होता है, ठीक है ना, डैमेज होता है सेल और डैमेज होता है ऑर्गन,
मैंने क्या कहा, हाइपोपरफ्यूजन होती है तो डैमेज होता है, डैमेज कौन होता है, सेल सेलुलर डैमेज होता है और ऑर्गन डैमेज होता है। अब ये ऑर्गन डैमेज और सेलुलर डैमेज कौन कराता है, देखो हाइपोक्सिया कराता है और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कराते हैं, हाइपोक्सिया कराता है और लोकल इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कराते हैं, ठीक है ना। तो अब फर्दर इंजरी कैसे हो सकती है, देखो जब नॉर्मल सर्कुलेशन जो होती है ना, जब नॉर्मल सर्कुलेशन रेस्टोर होती है ना तो फर्दर इंजरी होती है। कौन सी इंजरी, सेलुलर डैमेज और ऑर्गन डैमेज। देखो नॉर्मल सर्कुलेशन जब रेस्टोर होती है तो ये भी क्या कराती है, सेलुलर डैमेज और ऑर्गन डैमेज कराती है, ठीक है ना। तो वो कैसे देखें, जब नॉर्मल सर्कुलेशन, देखो सर्कुलेशन हाइपर परफ्यूजन थी, उधर ही ब्लड रुका हुआ था, ठीक है, ऐसे तो कोई उधर मेटाबोलाइट्स तो बन रहे हैं ना, मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आ रही हैं उस जगह में, ठीक है ना। अब जैसे ही यहाँ से दोबारा इस ट्यूब से ब्लड जाने लगा है तो ठीक है ना, इन्हीं मेटाबोलाइट्स में एक होता है पोटेशियम, ठीक है ना। जब जैसे रीपरफ्यूजन हो रही है, नॉर्मल सर्कुलेशन बहाल हो रही है, तो हमने कहा ना कि नॉर्मल सर्कुलेशन जब बहाल होती हो रही है, हो जाएगी तो भी सेलुलर डैमेज और ऑर्गन डैमेज कराती है, ठीक है। तो इस दौरान उधर क्या होता है, उधर होता है पोटेशियम जमा, पोटेशियम और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स, लेकिन खासकर पोटेशियम का रोल है कि जब नॉर्मल सर्कुलेशन जाती है तो ये पोटेशियम जो है ना, ये लोकल जो पोटेशियम एक्युमुलेट हो रहा होता है ये सर्कुलेशन में चला जाता है, सर्कुलेशन में चला जाता है और ये क्या कराता है, मायोकार्डियल डिप्रेशन करा सकता है, वेजो डायलेशन कराता है इसके अलावा, ठीक है। मायोकार्डियल डिप्रेशन फर्दर वेस्कुलर डायलेटेशन एंड फर्दर हाइपोटेंशन कराता है, फर्दर हाइपोटेंशन और फर्दर वेजो डायलेशन, ये पोटेशियम, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर देखो फर्दर इंजरी होती है, ठीक है। तो फर्दर इंजरी, नॉर्मल वेस्कुलेशन बहाल होने के बाद भी फर्दर इंजरी, जब नॉर्मल वेस्कुलेशन बहाल होती है तो जो लोकल पोटेशियम जमा होता है वो अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके फिर फर्दर इंजरी, मायोकार्डियल डिप्रेशन, फर्दर वेजो डायलेटेशन, फर्दर हाइपो टेंशन। फिर क्या होता है, फिर देखो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल्स जो इस जगह में पोटेशियम के अलावा फ्री रेडिकल्स भी तो बने हैं, ठीक है ना, ये फ्री रेडिकल्स आते हैं वो दोबारा कहाँ, ये भी सर्कुलेशन में आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन बहाल हुई है। हमने क्या पढ़ रहा है, इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम, ठीक है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, फ्री रेडिकल इंजरी या इस्कीमिया रीपरफ्यूजन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं। तो जब देखो फ्री रेडिकल्स भी सर्कुलेशन में आ रहे हैं तो ये फिर फर्दर एंडोथेलियल इंजरी कराते हैं, करीब से देखो ये फर्दर एंडोथेलियल इंजरी कराते हैं, फिर ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज कहाँ, लंग्स में और किडनीज़ में, फिर लंग्स में ये एक्यूट लंग इंजरी, किडनीज़ में ये एक्यूट किडनी इंजरी कराते हैं, ठीक है ना। इसी तरह फिर एंडो इंसू क्या करता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर और पेशेंट की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये था फ्री रेडिकल इंजरी, या फिर इसको हम इस्कीमिया रिपरफ्यूजन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इस जो रिपरफ्यूजन इंजरी है ना, रिपरफ्यूजन इंजरी इस कैन ओनली बी रिड्यूस बाय, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय ओनली बाय रिड्यूसिंग एक्सटेंट ऑफ हाइपोटेंशन, ठीक है ना, ओनली बाय रिड्यूसिंग एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, रिड्यूसिंग एक्सटेंट ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है। देखो ये हाइपोटेंशन नहीं है, ये हाइपोपरफ्यूजन है, ये हाइपोपरफ्यूजन है, मतलब कहने का ये है कि एक टिशू में ब्लड कम जा रहा है, कम जा रहा है, हम उसको कम ही मेंटेन कर रखें, अगर हम रिपरफ्यूज करेंगे तो उसके ये सारे मसले होंगे। तो इस पॉइंट का ये कहने का ये मकसद है इस पॉइंट का, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो शॉक के क्लिनिकल इफेक्ट्स कहाँ कहाँ हो सकते, देखो हम इसको ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे। देखो CNS में अगर शॉक के दौरान CNS में क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, पेशेंट पे स्टूपर और कोमातारी हो सकता है और इंसेफेलोपैथी हो सकती है। रीनल सिस्टम में क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिक्रीज परफ्यूजन से क्या होता है, इंक्रीज रिनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद लीक यूरिया से एन यूरिया तक भी हो सकता है, एक्यूट रिनल फेलियर हो सकता है और इंक्रीज क्रिएटिनिन, इंक्रीज पोटेशियम और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। शॉक में देखो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, ठीक है ना। इसी तरह रेस्पायरेटरी कॉजेज में देखो तो टेकिपनिया होगा, सांस फूलने लगी, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है और इसको फिर कार्डियोजेनिक शॉक इसमें कॉमन होता है, पल्मोनरी एडिमा याद रखो, ठीक है। इसी तरह एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, ये तो मैंने पहले भी बताया, कार्डियोजेनिक शॉक में स्पेशली पल्मोनरी एडिमा। हम असल में इस वक्त ना वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे शॉक्स की टाइप्स होती है, उनके एक क्लिनिकल इफेक्ट्स ढूंढ देख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनमें से कुछ किसी में हो सकते हैं, किसी में नहीं,
फॉर एग्जांपल मिसाल ले लो कार्डियोजेनिक शॉक में पल्मोनरी एडिमा खासकर होता है, ठीक है। इसी तरह जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डायस्टेलिक प्रेशर कम हो जाएगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। डायस्टेलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिलीवरी डेफिनेटली कम हो जाएगी, कॉमन सेंस से शॉक है भाई, और इंक्रीज मायोकार्डियल इस्कीमिया, कॉमन सेंस से ऑक्सीजन डिलीवरी कम है तो इस्कीमिया ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी होगी, काम कम कर पाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होगा, ठीक है। एसिडोसिस हो जाएगी, अगेन पोटेशियम इधर रेज्ड है, ठीक है। हाइपोक्सिया फिर क्या कराता है, एरिथमियाज कराता है, डेफिनेटली पोटेशियम भी बढ़ रहा है तो एरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जीआईटी में आ जाए, जीआईटी में देखें स्प्लेक्टिक हाइपोपरफ्यूजन, ठीक है, स्प्लेक्टिक हाइपोपरफ्यूजन होगी, और उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ गट म्यूकोजल बैरियर। जब हाइपोपरफ्यूजन होगी तो गट का जो म्यूकोजा है ना वो उसकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह स्ट्रेस अल्सर्स आपको मिलेंगे, स्ट्रेस अल्सरेशन हो सकती है, फिर हमारे पास एक्यूट इस्कीमिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है ना, एक्यूट इस्कीमिक हेपेटाइटिस, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जब म्यूकोजल बैरियर डिस्टर्ब हो गया है तो गट से ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया तो जाएंगे, इसी को ट्रांसलोकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये फिर फर्दर डैमेज करेगा, ठीक है। इसी तरह सीवियरिटी ऑफ शॉक की बात करें, देखो शॉक की सीवियरिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी, शॉक कैन बी कंपेंसेटेड और डीकम्पेंसेटेड, सीवियरिटी की बेस पे हम शॉक को कंपेंसेटेड में और डीकम्पेंसेटेड शॉक में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डीकम्पेंसेटेड शॉक फिर क्या होता है, डीकम्पेंसेटेड शॉक फिर माइल्ड डीकम्पेंसेटेड, मॉडरेट डीकम्पेंसेटेड, सीवियर डीकम्पेंसेटेड में तकसीम होता है, ठीक है। तो कंपेंसेटेड शॉक पहले देखते हैं, देखो कंपेंसेटेड शॉक जो होता है ना वो देखो कार्डियोवेस्कुलर हमारी बॉडी में और एंडोक्राइन जो रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है, इसमें इस शॉक पे हमारे जो रिस्पॉन्सेज है, कौन से रिस्पॉन्सेज, कार्डियोवेस्कुलर और एंडोक्राइन रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, दो काम करते हैं, ठीक है ना, ये एक तो रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो टू नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स, कौन कौन से, स्किन एक नॉन एसेंशियल ऑर्गन है, मसल ऐसे केस में नॉन एसेंशियल बन जाता है, जीआईटी नॉन एसेंशियल बन जाती है, तो ठीक है ना, तो ये नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल इसलिए कि देखो यार एक बंदा मर रहा है, उसका हमने किडनी ब्रेन और लंग्स वगैरह जिगर वगैरह बचाने हैं, तो ये जीआईटी मसल से हम क्या करेंगे, तो हम इसीलिए इस ब्लड सप्लाई को हम कम करते हैं हमारे जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से एंडोक्राइन और कार्डियोवेस्कुलर, और ब्लड सप्लाई ज़्यादा कहाँ करते हैं हम, ब्लड सप्लाई ज़्यादा करते हैं टू एसेंशियल ऑर्गन्स, एसेंशियल ऑर्गन्स कौन से हैं, किडनी को, ब्रेन को और लंग्स को, ये ऐसे ब्रेन ये ऑर्गन्स हैं, सेकेंड्स में अगर आप ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो जाए तो इनके सेलुलर डेथ हो जाती है, जबकि ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास ऑर्गन्स हैं जिनमें अगर ब्लड सप्लाई काफ़ी देर तक भी ना हो तो मसला इशू नहीं होता कोई, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर पेशेंट को टेकीकार्डिया हो जाता है, ठीक है, फिर कोल्ड पेरिफेरीज, देखो ना स्किन में ब्लड कम जाए तो क्या होगा, कोल्ड पेरिफ्री ही होगा ना। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जब हार्ट में जाए, हार्ट की तरफ जाए तो टेकीकार्डिया होगा, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह जो कहने का मकसद ये है कि अगर टेकीकार्डिया और कोल्ड पेरिफेरीज के अलावा ऐसा कोई साइन ऐसे इस कंपेंसेटेड फेज़ में आपको नहीं मिलेगा जो आपको हाइपोवोलेमिया की निशानदेही करेगा, ठीक है, यानी कि कंपेंसेटेड शॉक में हाइपोवोलेमिया कौन शो करता है, टेकीकार्डिया और कोल्ड पेरिफेरीज, इसके अलावा कोई खास एस्पेक्ट नहीं होता। देखो जब ऐसे केसेस में जब ब्लड फ्लो टू द स्किन कम हो जाता है तो इसमें फिर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ब्लड सप्लाई टू स्किन मसल एंड जीआईटी इज इम्पेयर्ड, ये फिर क्या होता है, लीडिंग टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, ठीक है, यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो डीकम्पेंसेटेड जो शॉक होता है ना वो मैंने पहले भी कहा, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सीवियर होता है, ये इसके तीन, ठीक है ना, एस्पेक्ट्स हैं। देखें इसमें डीकम्पेंसेटेड शॉक में जो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म से हमारी बॉडी के वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स जो फॉर एग्जांपल रीनल कंपेंसेटरी मैकेनिज़म, कार्डियोवैस्कुलर कंपेंसेटरी मैकेनिज़म, रेस्पिरेटरी, इन सब की इनसफिशिएंसी हो जाती है, इन सब की इनसफिशिएंसी हो जाती है, जब इनसफिशिएंसी हो जाती है तो फिर आपको क्या मिलता है, फिर डीकम्पेंसेटेड शॉक मिलता है। नहीं, इस जुमले को हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो डीकम्पेंसेटेड शॉक में कंपेंसेटरी मैकेनिज़म्स फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से इनसफिशिएंसी क्या आती है, किस में, रीनल सिस्टम में इनसफिशिएंसी आती है,
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में इंसफिशिएंसी आती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंसफिशिएंसी आती है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर शॉक। ठीक है, माइल्ड शॉक में देखो, माइल्ड शॉक में क्या होता है, माइल्ड शॉक में टेकीकार्डिया होता है, ठीक है, टेकीकार्डिया होता है, टेकीपनिया होता है, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट होता है। क्या क्या होता है, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया एंड माइल्ड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट। और ये डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट होता है ना, माइल्ड में माइल्ड ही होता है, माइल्ड में माइल्ड ही होता है। ठीक है, ठीक है ना, देखो टेकीपनिया, टेकीकार्डिया, माइल्ड रिडक्शन इन यूरिन आउटपुट। देखो इसमें बीपी इज मेंटेन्ड, माइल्ड डी कंपेंसेटेड में बीपी इज मेंटेन्ड बट पल्स प्रेशर इज रिड्यूस। पल्स प्रेशर आपको पता है ना, सिस्टमिक ब्लड माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और साथ में क्या हो सकता है, एंजाइटी और कोल्ड पेरिफेरल। देखो अभी एंजाइटी है, ये कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन और एंजाइटी में फ़र्क है। ठीक है, इसी तरह मॉडरेट शॉक, मॉडरेट शॉक देखो, मॉडरेट शॉक में क्या होता है, बीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, हमने देखा था बीपी मेंटेन्ड है इसमें माइल्ड में, मॉडरेट में बीपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है ना, कन्फ्यूजन, माइल्ड कन्फ्यूजन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंजाइटी थी माइल्ड में, जबकि मॉडरेट में माइल्ड सी कन्फ्यूजन। ठीक है, रीनल मैकेनिज्म फेल होता है, ठीक है, मॉडरेट में रीनल मैकेनिज्म फेल होता है। और यूरिनरी आउटपुट कहाँ चला जाता है, यूरिनरी आउटपुट डिक्रीजेस बिलो 0.5 ml पर kg पर आर में। ठीक है, ये यूरिनरी आउटपुट है। ठीक है, तो 0.5 इसमें माइल्ड सा लो है, इसमें फिर 0.5 ml पर kg पर आर, ये तो बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह फिर सीवियर शॉक की बात करें, सीवियर शॉक में देयर इज प्रोफाउंड टेकीकार्डिया, डीप टेकीकार्डिया इसको बोलते, टेकीकार्डिया और डिग्री हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया प्रोफाउंड होते हैं सीवियर शॉक में। यूरिन आउटपुट ऑलमोस्ट 0 ml/hr तक पहुंच रहा होता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, लेबर्ड ब्रीथिंग भी हो सकती है। इसमें देखो टेकीपनिया था ना, टेकीपनिया कहाँ गया, टेकीपनिया था इसमें भी था टेकीपनिया, लेकिन इसमें लेबर्ड ब्रीथिंग होती है सीवियर शॉक में। क्या क्या होता है, हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया प्रोफाउंड होते हैं, और जो होती है ना यूरिनरी आउटपुट 0 ml/hr, अनकॉन्शियसनेस होती है, और साथ में क्या होती है, लेबर्ड ब्रीथिंग।